पश्चिमी यूपी में एक आम की वैरायटी कई चर्चे पाकिस्तान में भी हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा तो हो गया, लेकिन वेस्ट यूपी के एक आम की वैरायटी को लेकर अभी भी पाकिस्तान अपना दावा करता है। कहानी है वेस्ट यूपी के रटौल आम की, जिसकी सुगंध पूर्व पाकिस्तान इंदिरा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को भी बहुत पसंद थी। देखिए मेरठ से यह खास रिपोर्ट। एक आम की हजार कहानी। फलों का राजा आम और आमों का राजा रटौल। वेस्ट यूपी के कई इलाकों में रटौल आम की खेती खूब होती है और इस आम को लोग काफी पसंद करते हैं। कई किसान तो ऐसे हैं जो सिर्फ निशाने के तौर पर इसे अपने बाग में लगाते हैं। आम को फलों का राजा कहा जाता है। आज हम आपको ऐसे आम के बारे में बताएंगे जिसकी चर्चा भारत से लेकर पाकिस्तान तक है। जिस आम की मुरीद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही हैं, जिस आम के मुरीद अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हैं, इस आम का नाम है रटौल। आमतौर पर यह आम बागपत के रटौल गांव में ही होता है, लिहाजा इसका नाम रटौल आम पड़ गया। लेकिन अब इसकी किस्में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी देखी जा रही है। बागपत में रटौल गांव के नाम पर आम। रटौल आम 1912 में पैदा हुआ। इसका स्वाद 1917 या 1918 को पहली बार चखा गया। रटौल आम का मदर प्लांट गाजर के खेत में पैदा हुआ था, इसलिए इसमें गाजर की भीनी गंध के साथ मिलकर एक खास खुशबू पैदा हो गई। ये बाग अनवरुल हक का था, इसलिए जब इसके किस्म को शेख अफाक फरीदी ने तैयार किया तो इसका नाम अनवर रटौल रख दिया। बाद में इसका नाम अनवर पसंद और उसके बाद ये गांव के नाम रटौल से ही फेमस हो गया। पाकिस्तान भी करता रहा अपना दावा। देश के बंटवारे के वक्त ये आम पाकिस्तान के मुल्तान तक पहुंच चुका था। अनवरुल हक के रिश्तेदार बंटवारे के वक्त पाकिस्तान चले गए और जाते वक्त रटौल आम के कुछ पौधे भी ले गए थे। वहां उन्होंने धीरे धीरे पूरा बाग विकसित किया और इसका नाम अनवर रटौल रख दिया। रटौल आम को लेकर दोनों देशों के बीच मैंगो डिप्लोमेसी की शुरुआत तब हुई जब पाकिस्तानी जनरल जियाउल हक ने इंदिरा गांधी और तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी को रटौल आम की पेटी भेजी और इस लजीज आम पर रिएक्शन चाहा। तब इंदिरा गांधी ने जियाउल हक को बताया कि ये आम तो रटौल गांव का है और जो हमारे पास है और जो हमारे यहाँ है। इंदिरा गांधी का टाइपिस्ट जब उसमें रटौल नाम लिखना भूल गया तो इंदिरा गांधी ने अपने हाथों से रटौल नाम लिखा और फिर उसी कलम से नीचे अपने हस्ताक्षर किए। ये 1980 की बात है और वो सर्टिफिकेट आज भी हमारे यहाँ महफूज है। इसके बाद भी पाकिस्तान ने रटौल आम के ऊपर अपने देश में एक डाक टिकट भी जारी किया और इस पर अपना हक जताया, जबकि भारत ने हमेशा इस कदम का विरोध किया। भारत पाक के बीच बहुत सारे विवादों में एक विवाद आम डिप्लोमेसी का भी है, जबकि हकीकत ये है कि रटौल आम को हम लोगों के बाग में ही विकसित किया गया।